हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ट्रांजैक्शन राइट्स लेना सीखा था योनो एसबीआई के थ्रू। तो बहुत से लोगों को उस वीडियो से फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको कुछ एरर आए, जिनके पास नो अकाउंट फाउंड या नो मैपिंग अकाउंट, कुछ ऐसा एरर आया और वो अपने जो ट्रांजैक्शन राइट्स है वो नहीं ले पाए। उन्होंने कमेंट किया मुझे, तो उसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, नो अकाउंट फाउंड या नो मैपिंग अकाउंट, तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस एरर को दूर कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन राइट्स लेने जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। इसके दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका तो अभी मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ वो है, और दूसरा तरीका है कि आप ब्रांच में जाके भी इसको ठीक करवा सकते हैं। अगर आपका ये मान लो ये जो मैं अभी बताऊं इससे भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी 1% चांस हो, अगर नहीं हो, तो फिर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं इसको किस तरह से हम ठीक करते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन SBI वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो हम एक बार सर्च करते हैं ऑनलाइन SBI, ये ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। गूगल पे आपको सर्च कर लेना है, या आपको www.onlinesbi.com इस एड्रेस पे चले जाना है। तो हमने गूगल सर्च कर लिया है, अभी इस पे क्लिक कर देना है। अभी लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ मैं, अभी कंटिन्यू टू लॉगिन। इसके लिए दोस्तों हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह हमारे होने चाहिए। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, आपको याद नहीं है, तो इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लेना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे भी आपको एक लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो अभी मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ऊपर यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे एंटर टेक्स्ट शोज इन इमेज, जो नीचे ये एक 3EX2E ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ें डाल देता हूँ एक बार। दोस्तों, मैंने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए हैं, अभी लॉगिन इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मुझे एक एरर, नो अकाउंट्स मैप्ड फॉर दिस यूज़र नेम, काइंडली रेज दिस इशू थ्रू कस्टमर केयर टैब लोकेटेड एट द टॉप राइट ऑफ दिस पेज, ठीक है। तो ऐसा एरर आपको आ सकता है जब हम लॉगिन करेंगे, या नो अकाउंट फाउंड आ सकता है आपके पास, ठीक है। ऐसा ही एरर हम जब ट्रांजैक्शन राइट्स ले रहे थे तब भी आ रहा था, ठीक है। तो अभी इसको हम ठीक करने वाले हैं यहीं पे। तो अभी आपको यहाँ पे यू आर हियर इसके बगल में ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ इस पर क्लिक एक बार, अभी ठीक है। नीचे कुछ और ऑप्शंस आ चुके हैं, अभी इनमें आपको प्रोफाइल एक ऑप्शन है, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है जो प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देना है। अभी फिर हमें फिर से नीचे चलना है, कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ हमारा मैनेज AC डिस्प्ले, जो फिफ्थ है लास्ट से शुरू करूँ तो मैं मैनेज AC डिस्प्ले, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज अकाउंट डिस्प्ले, यानी कि अभी आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड भी अगर आपको याद नहीं है, तो फिर उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो यूज़र नेम और पासवर्ड, वो एक ही वीडियो है, वो देख लेना आप। उसमें तीनों मैंने बताया है, यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड किस तरह से रीसेट करते हैं, रिकवर करते हैं, ठीक है, तो वो देख लेना आप। तो मैं एक बार यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डाल देता हूँ, अपने प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है हमें। अभी देखिए ये कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं, हाइड अकाउंट, अनहाइड अकाउंट, अनहाइड डेबिट अकाउंट्स, अनहाइड डेबिट अकाउंट्स, ठीक है, चार ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है अनहाइड अकाउंट्स, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे एरर भी हमें दिखा रहा है, नो अकाउंट्स अवेलेबल, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है अनहाइड अकाउंट्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ इस पर क्लिक, ठीक है। अभी फिर से नीचे चलना है, और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, ठीक है, जो मेरा दिखाई दे रहा है ये लास्ट में 82, ठीक है। अभी इस पे जो ये एक बॉक्स है, इस पे हमें क्लिक कर देना है, तो ये एक टिक मार्क आ जाएगा, ठीक है, एक दो बार इस पे क्लिक कर लेना, नहीं हो तो, ठीक है। इसके बाद अभी सबमिट जो नीचे आ रहा है, इस पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने कर दिया है सबमिट क्लिक, और देखिए यू हैव सक्सेसफुली मॉडिफाइड योर अकाउंट्स प्रोफाइल फॉर इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन एक्सेस टू द फॉलोइंग अकाउंट्स, ठीक है। फॉलोइंग अकाउंट, जो इस अकाउंट के लिए हमने मॉडिफाई कर लिया है अपनी प्रोफाइल को, ठीक है। तो अभी एक बार मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉग आउट करके, और एक बार दिखा देता हूँ आपको कि फिर से एरर आता है या नहीं। अभी लॉग आउट कर लेता हूँ मैं, और जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ मैं दोबारा। क्लिक हियर टू लॉगिन, इसमें एक बार कंटिन्यू टू लॉगिन। अभी यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं जल्दी से। अभी देखिए फिर से मैंने लॉगिन कर लिया है, फिर से मैंने देखिए, और ये देखिए
कोई एरर मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्लिक हियर फॉर बैलेंस, बैलेंस देख सकते हैं आप, ये आपके अकाउंट की इन्फो सारी दिखा रहा है। ये बैलेंस इस पर क्लिक करूँ तो मुझे बैलेंस भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब आप ट्रांजेक्शन राइट वाली वीडियो देख सकते हैं और इस प्रोसेस को करने के बाद ट्रांजेक्शन राइट्स में जो प्रोसेस बताई है मैंने वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी आंसर दूंगा मैं। जल्दी फिर मिलेंगे और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।